आदित्य और आज नहीं होगी कुछ ऐसा, एक दूसरे को देखो, शादी नहीं हो पाएगी। चलो दो घंटे का टाइम तो बीत गया अपना, और टाइम मिलेगा अपने को, तो पेपर मिले नहीं अभी तक, क्या करें? सर जो आप सीन में गुस्सा हो रहे थे कि आप बोल रहे थे वो शादी होके रहेगी, क्या कहना चाहिए, किस तरीके का सीन था? कुछ नहीं, अपने जो मकसद से इधर आया हूँ वो मकसद पूरा करना चाह रहा हूँ। चैलेंजेस, टास्क, गिव एंड टेक बहुत हो रहा है, तो अभी शादी का माहौल है, डिसाइड कर लिया कि काव्या की शादी कराती ही छोड़ना है, और सडनली शादी में से दूल्हा ही गायब हो जाता है, शादी करेगी किससे? का इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी दूल्हा शादी से किडनैप है, और कहीं ना कहीं लोग इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं, मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ कर रहा है, पूरा सीन उस बारे में। जो किडनैपिंग की, किसने की, क्या अभी तक कुछ पता चला? हाँ पता तो चलेगा ना, आप लोगों को देखना पड़ेगा ना, इसके लिए विजुअल्स हम बना ही रहे ताकि आप लोग देखें, मैं स्टोरी आपको बता दूंगा तो क्या ही बनना है। सर अब क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? अरे अपने व्यूअर्स को तो मैं बहुत थैंक बोलना चाहूँगा कि जब से आए हैं स्टोरी इतनी बढ़िया चल रही है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, व्यूअरशिप बढ़ गई है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है ड्रामा, और द बेस्ट पार्ट इज़ कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट है, हर रोज़ कुछ ना कुछ, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया ड्रामा है। टीवी जैसा मतलब काफ़ी पेसी हो गया है जो ड्रामा है, तो वो ऑडियंस को पकड़ के रख रहा है ना। थैंक यू सो मच कि आप लोग सब देख रहे हो, इसे निहार रहे हो, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, एंड सो अच्छा लगता है जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस वजह से हम आप लोगों को एंटरटेन, जो वजह है वो है एंटरटेनमेंट, और हम जो एंटरटेन कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगता है, सो थैंक यू सो मच। जो हम जिसके लिए एक्चुअली जो काम कर रहे हैं वो हमको मिल रहा है, तो रात को चैन की नींद मिलती है जब ये पता चलता है कि हाँ आप लोग सब खुश हो, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।